नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करूंगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं, उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। तो मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर बहुत दिनों के बाद चर्चा कर रहा हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से ही मेरा एक ऑलमोस्ट स्विंग ट्रेडिंग एक लेके रखा हूँ, और वो ट्रेडिंग अभी तक फाइनली टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो मैंने किस बेसिस में एंट्री लिया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए, कंपनी के किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले मैं उसको वैल्यूएशन को चेक करता हूँ। तो इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है, ओवरऑल अगर पी रेशियो के साथ कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो कंपेयर करूँ, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन ऑब्वियसली थोड़ा सा हाई लगा। और कितना हाई है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी के खुद के पी रेशियो के हिसाब से एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 63 के आसपास, और आज वो गिर के हो चुके 46 के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो वो 52 है, मतलब कंपनी का पी रेशियो खुद के पी रेशियो अंडर वैल्यूड है। अभी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो ना के बराबर है। कंपनी का एनुअली इनकम 638 करोड़ के आसपास है, और कंपनी के जो आर ओ सी आर ई है दोनों ही बेस्ट देखने को मिला। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन बना है, और इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। हम मान लेता हूँ कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो रिजल्ट बहुत स्लो मूवमेंट में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए 1500 करोड़ से 1600 करोड़, उसके बाद 1800 करोड़, उसके बाद 2200 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी का हर साल सेल्स बढ़ रहा है, यही काफ़ी है। और उसके साथ साथ एक्सपेंस को बढ़ाने के मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 170 करोड़ से 46 बन चुके थे, 138, अभी 191, मतलब कंपनी फर्स्ट टाइम हाईस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। और यही कारण के वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट अच्छा है तो उसमें ग्रोथ होने का चांसेस भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अभी एक एक इम्पॉर्टेंस पॉइंट जो आपको हमेशा देखना चाहिए वो है कंपनी का कर्जा कितना है। अभी देखिए, जो कंपनी कर्जा लिया वो 259 करोड़ के आसपास है, जो पिछले बार 373 करोड़ के आसपास था। अभी जो कर्जा है उस कर्जे के बारे में बात करो तो कंपनी एक्चुअली लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में कोई भी कर्जा नहीं है। बेसिकली कंपनी का जो कर्जा है वो लीज लाइबिलिटी के हिसाब से, वो भी कितना 250 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी के ऊपर जो टोटल लीज लाइबिलिटी है, मतलब कंपनी के जो लीज लेने के लिए जो कर्जा लिया गया वो कितना है, 250 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी जो जो कर जितना कर्जा लिया उस कर्जे को कंपनी इजीली मिटा सकता है, क्योंकि कंपनी का कर्जा कितना है, कुल मिलाकर 259 करोड़। और कंपनी के हाथ में कितना कैश है, ओवरऑल बात करो 268 करोड़। मतलब कंपनी आसान तरीके से खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। और इसी हिसाब से बात किया जाए तो कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है वो देखेंगे तो कंपनी इस बार अच्छा खासा एसेट को परचेज किया। जो 199 करोड़ था वो इस बार 111 करोड़ बना, मतलब कंपनी के बेस्ट तरीके से एक फिक्स्ड एसेट परचेजिंग यहाँ पे देखने को मिले। तो मुझे लगता है एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग आपको देखने को मिल चुके हैं। तो इसी कारण के वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाकी इस कंपनी के जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज है वो देखेंगे तो कंपनी के टोटली इंडिया में ही बिजनेस चल रहा है 99%, और कंपनी के वायर इंडस्ट्रीज में कंपनी 40% मार्केट शेयर लेके रखा है, और कंपनी 40% मार्केट शेयर लेके रखा है, और इसमें से 98% कंपनी वायर मतलब वायर केबल्स के बिजनेस ही कंपनी करते हैं। कंपनी के टेक्निकली चार्ट के बारे में बात करूँ तो बहुत दिनों के बाद यहाँ पे एक ट्रेड बना था, वो कुछ इस तरीके से कप विद हैंड बटन्स बना, फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट भी किया। कंपनी बहुत टाइम लगा दिया इस हाई लेवल को ब्रेकआउट करने में। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इस लेवल जब तक स्ट्रांगली ब्रेकआउट ना करे तब तक ऊपर नहीं जाएगा। अगर ऊपर गया तो कहाँ तक जा सकते हैं, ऑलमोस्ट 79 रुपीज़ जाने का चांसेस है, और 79 रुपीज़ अगर गए तो मुझे 27% के आसपास टारगेट मिलेगा। और मुझे लगता है जो टाइम पीरियड यहाँ पे लग रहा है वो ओवरऑल 276 डेज हो चुका है। अगर एक साल में इस तरीके से टारगेट मिले तो भी मेरे लिए अच्छी बात होगा, क्योंकि 27% का टारगेट यहाँ पे मिलेगा। तो आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो बेसिकली डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक ऐसे कंपनी है जिसका ग्रोथ आपको हमेशा दिखेगा, क्योंकि कंपनी के जो बिजनेस है उस बिजनेस के पेयर बिजनेस के हिसाब से बात करूँ तो इसका जो कंप्यूटर है उसके मार्केट के बहुत दूर दूर तक है, क्योंकि इसका डिक्सन टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप 55,000 करोड़ के आसपास है। और बेसिकली कंपनी के नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स ग्रोथ सब कुछ आपको अच्छा खासा दिखेगा। आर ओ सी भी बेस्ट है, डेप्थ भी कम है, और उसके साथ साथ कंपनी के मार्केट कैप भी सबसे ज़्यादा है। और कंपनी की देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी का पी रेशियो जो मुझे हाई वैल्यूएशन के हिसाब से देखने को मिला।
क्योंकि कंपनी लगातार भागते चला जा रहा है, उस बेसिस में कंपनी का पी रेशियो भी हाई होता चला जा रहा है। तो कितना हाई है एक बार मैं आपको बता दूं, कंपनी का पी रेशियो देखिए एक टाइम चला गया था 182 के आसपास, उससे गिरकर 67 आ गया था, फिर से वो बढ़ के हो चुके 150 के आसपास। मतलब एक बेस्ट तरीके से कंपनी का पी रेशियो यहाँ पे देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बने उस सिचुएशन के बेसिस में बात करूँ तो कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है इस बार कंपनी का, देखिए पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत शानदार हुआ। सेल्स अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 80 करोड़ से 97 करोड़ बना। मतलब एक बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिले। अभी इस तरीके से नेट प्रॉफिट बढ़े उस कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक के पास अच्छा खासा एंड बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट दिखेगा। इंस्टीट्यूशन इतना ज़्यादा निवेश क्यों कर रहा है, कितना निवेश कर रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। अगर मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूं, देखिए पहले 7% होल्डिंग था, खुद होल्डिंग को बढ़ाकर 18% हो चुके हैं, मतलब डबल से भी ज़्यादा। और उसी तरीके से अगर FS के बारे में बात करूँ तो FS के पास 15% होल्डिंग था, वो बढ़ के 17.5% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, और इस बेसिस में देखा है तो कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। अभी डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं टेक्निकली चार्ट के बारे में बात करूँ तो फाइनली यहाँ पे एक रेंज बना था, उस रेंज के बाद मैंने जब ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, तब इस जगह पे एक एंट्री लिया। और मैंने आपको बताया था कि मेरा एंट्री का टारगेट जो रहेगा 1:3 रेशियो का, मतलब 1% का लॉसेस एंड 3% का टारगेट रहेगा। तो 3% तक टारगेट रहे तो कहाँ तक जाने का चांसेस है, इस लेवल तक। इस लेवल का मतलब है करीबन 9735 के आसपास। तो मुझे लगता है और कुछ ही दिनों के बाद ही इस टारगेट को अचीव हो सकते हैं। तो इतने दिनों में जो पेशेंट के साथ मैंने बने रहा तो उसका रिटर्न कितना मिलने का चांसेस है, 43% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जब मैंने एंट्री लिया था तब भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो सारी चीज़ों को सीखने और समझने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम क्या है, सबसे पहले देख लीजिए, उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, मतलब कैम्प्स। देखिए कैम्प्स के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट जो है इसका मार्केट शेयर। अगर मार्केट शेयर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में कंपनी म्यूचुअल फंड रजिस्टर के हिसाब से 69% मार्केट शेयर लेके घूम रहा है। मतलब एक बेस्ट तरीके से मार्केट शेयर कंपनी के पास है, और इसी मार्केट शेयर के बेसिस में कंपनी एक बूस्ट अच्छा खासा देखने को मिला इस कंपनी के ऊपर। अभी एक इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँ, कंपनी के जो रेवेन्यूज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से 8% एंड RTA जो सर्विसेज है उसके ऊपर 92%। तो कंपनी डेटा डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर जो कंपनी का जो प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यूज है उसमें डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर 81% एंड बाकी कस्टमर केयर के ऊपर 7%, मिसलिनियस सर्विसेज के ऊपर 6% और रिकवरेबल प्रोसेस के ऊपर 4.5% एंड आधा सॉफ्टवेयर के ऊपर 1% के आसपास। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस के सिचुएशन को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप सारी चीज़ों को समझिए, सीखिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि इस कंपनी के जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग है एंड फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का ग्रोथ आपको कभी भी कम होता देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट फोर्थ ईयर में कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो बेस्ट तरीके से देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर बात करें तो कंपनी के जो इंटरेस्ट है मतलब एक्सपेंस है उसके बारे में चर्चा करें तो कंपनी के एक्सपेंस भी बहुत शानदार तक देखने को मिले हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट जो है वो 60 करोड़ से 74 करोड़ बना, उसके बाद देखिए 103 करोड़ बना। मतलब कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ और भी नोटिस करना, इस कंपनी के ऊपर जो जो डेटा मुझे बहुत अच्छा लगा वही इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर के बारे में बात करते तो आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के पास एकदम 3.5% तक होल्डिंग आ गया था, वो भी सितंबर 2023 में, और आज लास्ट टू क्वार्टर्स में म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग को बढ़ाकर 12% 12.5% तक लेके गया। उसी तरीके से अगर देखेंगे तो FS के पास 28% होल्डिंग था, वो बढ़ के 53% हो चुके हैं, मतलब आधा हिस्सेदारी तो FS के पास ही है। तो क्या वो लोग बेवकूफ़ है कि इतने होल्डिंग उठा रहा है, बिल्कुल नहीं, बेवकूफ़ तो हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग वही कंपनी को इग्नोर कर देते हैं जो कंपनी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, जिस कंपनी का ग्रोथ हमेशा होता रहेंगे। मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया सर कैम्प्स बेकार कंपनी है, तो उनका कमेंट को मैं मतलब उनके कमेंट का कोई रिप्लाई भी नहीं दिया और मुझे कोई रिप्लाई नहीं भी देना है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। शायद उनको कुछ इस कंपनी के ऊपर खराबी दिखे तो इसलिए शायद उन्होंने इस तरीके से कमेंट्स किया, तो मुझे कोई खराबी नहीं दिखे और इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा और मेरा जो ट्रेड बना है उस ट्रेड को मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये कंपनी के ऊपर जो
पैटर्न से अभी क्रिएट हुआ, आप पैटर्न्स को देखेंगे, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट पाने के लिए वो ऊपर जा रहे हैं। अगर टारगेट यहाँ तक हुआ तो ऑलमोस्ट 31% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना, जब मेरा टारगेट अचीव होगा तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो बेसिकली रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड के ऊपर गुड अपडेट है, वो है कंपनी का स्प्लिट एंड बोनस का। तो एक्चुअली कंपनी जो इस बार अनाउंसमेंट करने जा रहा है बोनस का, वो भी 3:1 का। तो पहले एक बार बोनस कंपनी दे चुके हैं 9:5 का, और भी 2023 साल में, अभी 2024 में कंपनी 3:1 का, मतलब हर एक के बदले 3 शेयर कंपनी यहाँ पे देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर वॉच करते रहिए, और मैं खुद आपको अपडेट भी शेयर करूँगा इसी चैनल के माध्यम से। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।